बच्चों और बड़ों के बाद औरतों की कितनी रेशो होती है क्राइम्स में? औरतों औरतें ज्यादा हैं क्राइम्स? नहीं मैम, वो कम है, 5% उम्र मेरे ख्याल में कोई होंगी या जिसके साथ कोई होती है, पकड़ी है काफी हमने ऐसी। अच्छा, औरतें भी पकड़ी हैं। तो मोस्टली कौन से क्राइम्स में पकड़ी हैं आप? ये मैडम ज्यादातर जो करती है ना, ये स्मगलिंग करती हैं औरतें, चरस वगैरह या कोई और चीज, अफीम हो गई और चीज हो गई। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं था DSP 12, वो एक बहुत ही सेंसिटिव था एरिया, लड़काना का एक सब डिविजन थी। अच्छा। तो हम रूटीन में चेकिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो थी इन्फॉर्मेशन हमें। अच्छा। कि औरतें हैं, उन्होंने चरस बांधी हुई अपने पेट पे। ओ खुदाया, यकीन करे। अच्छा। तो वेगने हम चेक कर रहे थे। क्या क्वांटिटी थी, कितनी चरस बांधी हुई थी जो पेट पे बांधी हुई? मैम तकरीबन जो एक पैकेट होता है उसका, वो होता है कोई 5 किलो का बड़ा सा। अच्छा। एक एक को चार लगे हुए थे, तीन औरतें थी। अच्छा। तो एक वेगन भी आई, उसको छोड़ दिया हमने, दूसरी आई, तीसरी को रोका, तो ऐसे लेडीज तो हाथ नहीं लगा सकते ना सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लड़के को उतारा जो उन्होंने बताया था हमें कि ऐसे ये थोड़ा मुशाबे देगा आपको लड़का ऐसा, उसको बुलाया। उनको कहा बेटा आप किसके साथ? उन्होंने कहा नहीं मैं अकेला हूँ। अच्छा। मैं अकेला जा रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा किसे अकेले जा रहा है यार, हमें पक्की इन्फॉर्मेशन। हम हैरान हो गए, DSP में था और SH होते। मैंने कहा SH यार क्या है, या तो गलत इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा सर 100% सही है। अच्छा। ये झूठ बोल रहा है, बंदा यही है, इसके साथ लेडीज बैठी हुई, हम हाथ नहीं लगा सकते, मजबूरी क्या, क्योंकि लेडीज आपके साथ, लेडीज पुलिस का होना जरूरी होता है। जरूर होता होना होता है मैडम। फिर यकीन करें तो एक दूसरा बंदा इसके साथ ही बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इधर आओ। जब अला मदद करता है ना, कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। तो ये टेग लगा नहीं होता दर्जी का? हाँ जी। जो कपड़े सिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको भी वही था, उसी बंदे को भी वही था। ओ। दोनों ने एक की दर्जी से कपड़े सिलाए थे। तो मैंने कहा ये देखो, मतलब आप इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो देखते हैं। मेरे में एक्सपीरियंस हो जाता है ना, बस मैं कहता हूँ अल्लाह मदद करता है ना, वो सारी चीजें सामने आ जाती है, आपकी नीयत साफ हो बस। तो यकीन करें, बस मैंने देखा कि यही बंदे हैं। अब मैंने कहा तुम कैसे कह रहे हो कि मैं अकेला हूँ, ये तुम्हारा भाई है या दोस्त है कुछ भी, दोनों ने एक ही दर्जी के कपड़े पहने। माय गॉड। तो वो हैरान हो गया। अच्छा। और फिर वो दाएं बाएं ऐसे ऐसे करने लगा, वो निकास के दो चांटे लगा उसको। ओह। दो चांटे लगाए, उन्होंने बताया कि ये जो पिछली सीट पे 3 औरतें बैठी हुई है हमारे साथ। ओह